ओके तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं आप खबीब के बारे में, क्योंकि खबीब नर्मागोमेडोव, और खबीब नर्मागोमेडोव का ट्विटर फीड जो है ना, वो मतलब एक तरीके से पूरा रशियन में है। और अगर आपको उसका ट्वीट पढ़ना है तो आपको गूगल ट्रांसलेटर एक टैब पे खोलना होगा और एक टैब पे ट्विटर खोलना होगा, और उसके बाद से कॉपी एंड पेस्ट कॉपी एंड पेस्ट। तो उसने ट्वीट किया कि अगर उसकी माँ चाहेगी, उसकी मदर चाहेगी और वो पूछेगा कि मतलब वो रिटर्न कर सकता है तो वो रिटर्न करेगा। और आज उसने ये ट्वीट किया कि उसको पता है कि उसका वैल्यू क्या है, और अगर 100 मिलियन डॉलर उसको फाइट के लिए मिलेगा तो ही विल फाइट। लेकिन उसने ये भी कहा ही विल नॉट फाइट कॉनर मैकग्रेगर एंड ही विल नॉट फाइट पोरिये, बिकॉज उसने एकदम इजिली दोनों को हरा दिया है और हम लोग कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता है। हम लोग क्या मतलब कोई भी नहीं दुनिया में आर्ग्यू कर सकता है कि दोनों को एकदम आराम से हराया था इजिली। कॉनर मैकग्रेगर को आप कह सकते हैं कि एक राउंड जो हारा है वो अपने पूरे करियर में वो कॉनर मैकग्रेगर ही ने हराया है। कॉनर मैकग्रेगर इज अ लेजेंड मैन। लेकिन तब भी मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा भी चैलेंज नहीं किया दोनों ने, कोई आर्ग्यू नहीं करेगा। कर भी सकते हैं आप लोग, लेकिन हमको नहीं लगता है कि आपके पास करने के लिए है कुछ आर्ग्यू। ही इज द चैंपियन। और अभी जिस तरीके से जस्टिन गेची को उसने हराया है, और अगर आप कॉनर मैकग्रेगर वाला आप आर्ग्यूमेंट दीजिएगा तो उसके बाद से फिर जस्टिन गेची को जाके देखिए, और उसके बाद से अगर आप बोलिए कि जस्टिन गेची उस तरीके का उतना ज्यादा अच्छा स्ट्राइकर नहीं है, तो फिर जस्टिन गेची के फाइट जाके देखिए आप टोनी फर्गसन के साथ, और उसके बाद से आप जस्टिन गेची का हिस्ट्री देखिए, जस्टिन गेची किस तरीके का फाइटर रह चुका है, जस्टिन गेची का मतलब आप करियर देखिए, मतलब वो पोरिये और अल्वारेज से हारने से पहले वो अनडिफीटेड था। तो ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत, अभी हम इंटरनेट पे बहुत जगह पर देख रहे हैं कि जस्टिन गेची उतना अच्छा नहीं था जितना हम लोग सोचते थे। खबीब को दबाने के लिए इस तरीके की बात चल रही है मीडिया में, और टोनी फर्गसन को जब हराया था जस्टिन गेची ने, उसके बाद ये वाली बात कोई नहीं बोल रहा था कि जस्टिन गेची उतना अच्छा नहीं है, जस्टिन गेची बेस्ट है और यूएफ मतलब खबीब को हरा देगा वो। मतलब कि बहुत ज्यादा मेरे वीडियो में कमेंट्स आ रहे थे कि जस्टिन गेची हरा देगा 100%, लेकिन वही लोग मतलब एग्जैक्टली वही लोग नहीं, लेकिन मीडिया के वही लोग जो बोल रहे थे कि ही इज द बेस्ट मिडिल वेट ऑफ ऑल टाइम, नहीं लेकिन बेस्ट मिडिल वेट राइट नाउ टोनी फर्गसन को हराने के बाद, जब खबीब ने उसको उससे भी बुरी तरीके से हराया, जिस तरीके के बुरी तरीके से टोनी फर्गसन को जस्टिन गेची ने हराया था, उससे बुरे तरीके से खबीब ने जस्टिन गेची को हराया, तो उसके बाद से खबीब मतलब कि जस्टिन गेची उतना अच्छा नहीं है। आई डोंट नो मैन, मतलब कि अपने बात पे रहो। खबीब हम मानते हैं कि बेस्ट अभी फाइटर है वो, मतलब राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड, मतलब पाउंड फॉर पाउंड भी अभी, हो सकता है 6 महीने बाद नहीं हो, लेकिन आपको अपने बात पे रहना चाहिए। आपको पसंद आता है खबीब या कॉनर मैकग्रेगर पसंद आता है तो ठीक है, मतलब कोई आर्ग्यू नहीं करेगा, ही इज लेजेंड मैन। लेकिन खबीब ने कॉनर मैकग्रेगर को आराम से हरा दिया था, तो मतलब कि आर्ग्यू मत करो ना कि वो ज्यादा अच्छा है, खबीब ने हरा दिया तो खबीब ज्यादा अच्छा है, मतलब कि सेटल कर जाओ बात पे। और सेकेंड फाइट अगर वो नहीं लेना चाहता है तो नहीं लेना चाहता है, और 100 मिलियन डॉलर उसको देगा कि नहीं देगा, क्योंकि हम लोग फेमसली जानते हैं, मतलब फेमसली हर जगह ये टैगलाइन चल रही थी, फ्लॉयड मेवेदर के साथ जब फाइट हुई थी कॉनर मैकग्रेगर की, तो कॉनर मैकग्रेगर का पेचेक था 100 मिलियन डॉलर। तो आप समझ सकते हैं कि एकदम डायरेक्ट उतने ही वर्थ मानता है खबीब अपने को रिटर्न करने के लिए, और आई थिंक ही इज डैट वर्थ। अगर कॉनर मैकग्रेगर उतना करता है 2-3 साल पहले, अभी कॉनर मैकग्रेगर हमको लगता है कि एक दो अभी अगर उसकी कोई बॉक्सिंग फाइट नेक्स्ट होती है तो वो और ज्यादा अभी उससे ज्यादा कमाएगा, लेकिन जो 2018 में फ्लॉयड मेवेदर के साथ हुई थी उतना ज्यादा पेचेक कॉनर मैकग्रेगर को मिला था। तो अगर खबीब की नेक्स्ट फाइट होती है और क्राउड भी रहता है, तो आई थिंक खबीब जो मुस्लिम वर्ल्ड का आप कह सकते हैं अलग कर रहे हैं ना, मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा एथलीट है वो, सबसे फेमस एथलीट है वो, तो उतना ज्यादा डिजर्व करता है, क्योंकि पेपर भी उतना ज्यादा बिकेगा। और अभी तो हमको लगता है कि रिटर्निंग पे आई थिंक अगर ये वाली फाइट जीएसपी के साथ होती है, जो क्या पता यार, मतलब कि अगर आप कहीं भी जाके देखिएगा तो जीएसपी कभी हाँ बोलता है कभी ना बोलता है, तो मतलब अभी हम गेस ही नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि किसके साथ फाइट होगी और आपको पता है, मतलब कि थोड़ा कॉन्फिडेंटली आप बोल सकते हैं, आप उसके बारे में आर्ग्यू कर सकते हैं, आप कमेंट में बताइए कि खबीब अगर 100 मिलियन डॉलर के मतलब उसको पेचेक देना देने के लिए तैयार है तो किसके साथ नेक्स्ट फाइट होगी उसकी। आई डोंट नो।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, और दोनों एक साथ आप कर सकते हैं, और आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, कमेंट में बात कर सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा. अगर खराब लगा तो प्लीज कमेंट, अच्छा लगा तो लाइक बटन, तो मतलब इट्स सफिशियंट.